नमस्कार, जय गुरुदेव। आज के ये वर्ष के पहले अग्निहोत्र स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम अग्निहोत्र और मन या माइंड, इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। ये प्रेजेंटेशन है वो दिखाता है कि अग्निहोत्र मन के ऊपर कैसा काबू पाता है, कैसे मन को शुद्ध करते हैं। और आज हम देखते हैं कि मनुष्य और प्राणियों में जो एक फ़र्क है, मनुष्य को मन होता है जिससे वो भावना और बुद्धि को संतुलित तरह से इस्तेमाल कर सकता है। प्राणियों को भावनाएं जरूर होती हैं, बुद्धि जरूर होती हैं, लेकिन मन का विवेक उनके साथ नहीं है। ये परमात्मा ने इंसान को दी हुई बड़ी वरदान है। लेकिन शायद हम आजू बाजू में देखें तो आजकल ऐसा पता चल रहा है कि इंसान का मन आज बिल्कुल विकृत होने के अवस्था में आ गया है। इंसान शायद इंसान कहने लायक नहीं रहेगा और यही इंसान की प्रकृति का लय, एक प्रलय साबित हो सकता है। इंसान का मन उभारना, एक मनुष्य को उभारना आज की गरज है। और बहुत सारी आधुनिक विज्ञान की प्रयोग किए गए हैं, लेकिन ये सारे प्रयोग नाकामयाब रहे हैं। ऐसे अवस्था में अग्निहोत्र एक वैदिक टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं वैदिक विज्ञान, है जो आज इंसान के काम आ सकता है। हम ये प्रयोग कर चुके हैं और 1942 से इसके प्रयोग चालू हैं। और इंसान के मन के ऊपर अग्निहोत्र का कितना सुंदर प्रभाव होता है, मन की शुद्धि कैसी होती हैं, मन की सारी विकृतियां दूर कैसी होती हैं, इसका अभ्यास करने के बाद पता चले कि अग्निहोत्र एक भगवान ने भेजा हुआ सबसे बड़ा वरदान आज की दुनिया के लिए साबित हो सकता है। ये सेशन में, सत्र में हम बहुत सारे केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे, जिनमें व्यसनों के लिए जो कुछ इलाज हैं, अग्निहोत्र व्यसनों को कैसे दूर करता है, इंसान की आदतों को कैसे सुधरता है और एक मनुष्य कहने लायक कैसे बनाता है, इसका बहुत सुंदर वर्णन इस प्रेजेंटेशन में है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत कुछ दे पाएगा जो ज़िंदगी में आपके लिए बहुत काम आएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आप सबको फिर एक बार शुभ चिंतिता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि यह प्रेजेंटेशन आपको बहुत उपयोगी हो। जय गुरुदेव। धन्यवाद।